नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फोबिया। फोबिया का हिंदी में अर्थ होता है डर। तो किसी भी चीज़ से यदि अत्यधिक डर किसी व्यक्ति को लगता है तो हम कहते हैं इसको उस चीज़ का फोबिया है, मतलब कि अत्यधिक डर है। और ये एक साइकेट्रिक नर्सिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो फोबिया क्या है? इज अनकंट्रोलेबल, मतलब कि जिस व्यक्ति को फोबिया होता है उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इरेशनल मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं होता, वो चाहे वो है सामने या उसका थॉट है उससे भी फोबिया हो सकता है व्यक्ति को। इरेशनल है मतलब जरूरी नहीं है कि वो नुकसान पहुंचाए, लेकिन व्यक्ति उसको फील करता है। लास्टिंग फियर ऑफ ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का या तो हो सकता है डर, या सिचुएशन का, कोई परिस्थिति का, या कोई एक्टिविटी है उसका हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी है, कहीं पे मंच पे बोलना है तो वो हो सकता है, या फिर किसी पर्सन का भी हो सकता है इसमें, किसी व्यक्ति का। तो इस तरह से फोबिया क्या है? इज एन अनकंट्रोलेबल, इरेशनल एंड लास्टिंग फियर ऑफ ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फोबिया क्या है? एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। बाय इरेशनल, अनरियलिस्टिक, कोई रियलिटी नहीं है इसमें। परसिस्टेंट मतलब कि लगातार महसूस करना उस फियर को, एक्सेसिव फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। फोबियाज टिपिकली रिजल्ट इन रैपिड ऑनसेट ऑफ फियर एंड आर यूजुअली प्रेजेंट फॉर मोर देन 6 मंथ। कह सकते हैं कि यदि मोर देन 6 मंथ एक ही चीज़ से वो डर महसूस कर रहा तो उसको फोबिया हम कह सकते हैं। दिस फियर कैन बी सो ओवरवेलमिंग दैट ए पर्सन में गो टू ग्रेट लेंथ टू अवॉइड सोर्स ऑफ दिस फियर, मतलब कि व्यक्ति सोचता है कि उससे वो अवॉइड ही करे। वन रेस्पॉन्स कैन बी पैनिक अटैक, यदि एक बार भी वो फियर उसके सामने आता है तो उसको पैनिक अटैक हो सकता है। दिस इज सडन इंटेंस फियर दैट लास्ट फॉर सेवरल मिनट। ये कैसा होता है? इंटेंस फियर होता है, अचानक से होता है और कई मिनट तक ये चल सकता है। इट हैपन वेन देर इज नो रियल डेंजर, कोई डेंजर नहीं होता लेकिन उसको उससे फोबिया है। अब मेन टाइप की जो फोबिया होते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया और एगोरिक फोबिया। तो इसको पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पर। स्पेसिफिक फोबिया क्या है? तो स्पेसिफिक फोबिया क्या है? एक्सट्रीम फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से या किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होना, एक्सट्रीम फियर होना, जो कि टिपिकली इज नॉट हार्मफुल। जैसे एग्जाम्पल फ्लाइंग, जैसे कि एक व्यक्ति प्लेन में बैठता है तो उसको फियरिंग द प्लेन विल क्रैश, उसको ऐसा लगता है कि वो फोबिया होता है उससे कि वो क्रैश हो जाएगा, तो वो नहीं बैठता उसमें। डॉग्स की वजह से फियरिंग द डॉग विल बाइट और अटैक, कि उसको वो काट लेगा। क्लोज्ड इन प्लेस, फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, किसी क्लोज स्पेस में जाता है तो उसको लगता है कि वो उसमें फंस जाएगा। टनल, टनल में जाता है तो ऐसा हो जाएगा उसको कि वो कोलैप्स हो जाएगी। हाइट पे जाता है तो ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा। तो इस तरह से होता है। सोशल फोबिया क्या है? सोशल फोबिया क्या है? इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें एक व्यक्ति ज़्यादा उसको एंजाइटी हो जाती है और डिस्कम्फर्ट हो जाता है। किससे रिलेटेड? कि कोई वो सोशल उसमें जा रहा है किसी भी परिस्थिति में। रिलेटेड टू फियर ऑफ बींग एम्ब्रेस हो जाता है, ह्यूमिलिएटेड हो जाता है, स्कॉर्न हो जाता है वह अदर, मतलब उसको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वो एम्ब्रेस हो रहा है, ह्यूमिलिएटेड हो रहा है, स्कॉर्न हो रहा है अदर के द्वारा। सोशल और परफॉर्मेंस सिचुएशन, कोई भी सोशल सिचुएशन है, जैसे सोशल गैदरिंग हुई कोई उसमें, या कोई परफॉर्मेंस हुई उसकी, उसमें उसको ऐसा लगता है, एम्ब्रेस फील होता है, ह्यूमिलिएटेड फील होता है। इवन मतलब उसको उसका डर लगता है कि वो ऐसा महसूस करेगा, उस एम्ब्रेस हो जाएगा। इवन वेन दे मैनेज टू कन्फ्रंट दिस फियर, पीपल विद सोशल फोबिया यूजुअली तो मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन उनको कैसा महसूस होता है उस वक्त? उनको एंग्जियस महसूस होता है बिफोर द इवेंट और आउटिंग, फील इंटेंसली अनकम्फर्टेबल फील होता है थ्रू आउट द इवेंट और आउटिंग, हैव लिंगरिंग अनप्लीजेंट फीलिंग आफ्टर द इवेंट और आउटिंग। अनप्लीजेंट फीलिंग होती है इवेंट हो जाती है उसके बाद में, या कोई भी आउटिंग होती है उसके बाद में। सोशल फोबिया ऑफन हैपन्स विद द फॉलोइंग, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हुई, मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना, डीलिंग विद अथॉरिटी फिगर, ईटिंग इन पब्लिक, यूजिंग पब्लिक रेस्ट रूम, इन सब में उसको सोशल कोई इवेंट होगी तो उसमें फोबिया महसूस होगा। देन आता है
अगोरेफोबिया. अगोरेफोबिया क्या है? इन्वॉल्व्स अ फियर ऑफ हैविंग ए पैनिक अटैक इन ए प्लेस और सिचुएशन फ्रॉम विच एस्केप में भी हार्ड और एम्ब्रेसिंग. ऐसी जगह पर उसको फियर महसूस होता है या पैनिक अटैक महसूस होता है जिससे कि वो एस्केप नहीं कर सकता जिन परिस्थितियों से. जैसे कि एगोरेफोबिया इन्वॉल्व फियर ऑफ सिचुएशन लाइक बींग अलोन आउटसाइड होम, कि घर के बाहर अकेला जाना है, मान लो बाहर अकेला है व्यक्ति. बींग एट होम अलोन, घर पे ही अकेला है. बींग इन ए क्राउड, ट्रेवलिंग इन ए व्हीकल, बींग इन एन एलिवेटर, ऑन ए ब्रिज. तो ऐसी कंडीशन में उसको डर महसूस होता है. पीपल विद एगोरेफोबिया टिपिकली अवॉइड क्राउडेड प्लेसेज लाइक स्ट्रीट, क्राउडेड स्टोर्स, चर्चेज एंड थिएटर्स. इन सबको वो अवॉइड करता है, मतलब जो क्राउडेड प्लेसेज हैं उनको अवॉइड करेगा. कौन? एगोरेफोबिया. ये इसका स्पेसिफिक हो गया. अब मोस्ट कॉमन फोबिया यदि हम देखें तो ये होते हैं एनिमल से रिलेटेड है, अरेक्नोफोबिया. अरेक्नोफोबिया क्या है? स्पाइडर जो होती है उससे डर महसूस होना. देन आता है साइनोफोबिया, मतलब फियर ऑफ डॉग, कुत्तों से डर. एंटोमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ इंसेक्ट, एंटोमो मतलब कि इंसेक्ट से. देन ऑफिडियोफोबिया मतलब कि स्नैक से, ऑफिडियोफोबिया स्नैक से डर लगना. नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे फियर ऑफ हाइट, हाइट पे जाता है तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, हाइट में जाने से जो डर लगता है. देन पब्लिक स्पेसेस में जाने से डर लगता है वो है एगोरेफोबिया. देन एक्वाफोबिया, फियर ऑफ वाटर, एक्वा मीन्स वाटर, वाटर से फोबिया. देन एस्ट्राफोबिया, एस्ट्राफोबिया मीन्स फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग. एस्ट्रा लाइटनिंग और थंडर से जो डर लगता है उसको कहते हैं. ब्लड और मेडिकल प्रोसीजर और इंजरीज के लिए ये हैं. फियर ऑफ पेन के लिए क्या बोलेंगे? एल्गोफोबिया. एल्गो मतलब पेन, पेन से उसको डर लगना, मतलब कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको एल्गोफोबिया होना. डेंटोफोबिया मतलब डेंटिस्ट से फोबिया होना. हीमोफोबिया मतलब फियर ऑफ ब्लड. देन ट्राइपैनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ नीडल्स. इसके अलावा सिचुएशंस के लिए जैसे एरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फ्लाइंग, एमेक्सोफोबिया मतलब फियर ऑफ ड्राइविंग, एमेक्सो ड्राइविंग. देन क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ एनक्लोज स्पेसेस, कोई भी ऐसा बंद स्पेस है वहाँ से फोबिया होना. देन निक्टोफोबिया मतलब फियर ऑफ द डार्क, निक्टो डार्क, अंधेरे से डर लगना. अदर में आ जाते हैं जैसे फियर ऑफ क्लॉन्स, कॉलोफोबिया. फियर ऑफ वॉमिटिंग के लिए एमेटोफोबिया. फियर ऑफ फायर के लिए पायरोफोबिया. देन फियर ऑफ क्लस्टर और ग्रुप ऑफ होल्स, इसे है ट्रिपोफोबिया. अब आते हैं फोबिया के सिम्टम क्या होते हैं. तो फिजिकल सिम्टम्स में इस तरह की सेंसेशन होती हैं जैसे कि स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, एबनॉर्मल ब्रीदिंग होना, एसिलेटेड हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ट्रेम्बलिंग, कंपन होना, हॉट फ्लशेज और चिल्स होना, चॉकिंग सेंसेशन होना जैसे चौक हो रहा है गला, चेस्ट पेन और टाइटनेस होना, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द और टाइटनेस फील होना, बटरफ्लाई इन स्टमक में बटरफ्लाई फील होना, पिंस एंड निडल्स जैसे कि चुभ रही है उसके, ड्राई माउथ, सूखा मुंह हो जाना, कन्फ्यूजन और डिसोरिएंटेशन होना, नोजिया फील करना, डिजीनेस, चक्कर जैसा महसूस करना, सर में दर्द होना. जबकि मेंटल सिम्टम में क्या आते हैं? इंटेंस और ओवरवेलमिंग फियर, पैनिक और फीलिंग द नीड टू एस्केप, कि उसमें से कैसे वो बच के भाग ले. फीलिंग लाइक एन इमीडिएट डेंजर, कि कुछ एकदम से डेंजर आ जाएगा. फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्शन फ्रॉम ऑन बॉडी, डिपर्सनलाइजेशन, अपनी बॉडी से ही वो डिस्कनेक्शन फील करता है. और द वर्ल्ड अराउंड, डी रियलाइजेशन, जो उसके चारों तरफ वर्ल्ड है उससे डी रियलाइजेशन फील करना. अब है कि फोबिया के कॉजेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं इसके. तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कि कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, मान लो किसी के बचपन में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर उसने कुछ देखा है, या कोई बड़े होके भी व्यक्ति ने कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस खुद के ऊपर हुआ है या किसी और को देखा है. जेनेटिक्स भी हो सकती है कि सर्टेन टाइप ऑफ फोबिया आर मोर लाइक टू हैपन पीपल हु हैव अ रिलेटिव विच टाइप ऑफ फोबिया, मतलब फोबिया जैसे कोई फैमिली में हुआ है या कोई रिलेटिव है फोबिया का, उससे भी जेनेटिक भी हो सकता है. इंफॉर्मेशनल ट्रांसमिशन, कि कोई इंफॉर्मेशन मिली है फोबिया से संबंधित, या लर्न फियर,
ऐसे कि कोई बता देता है कोई बात कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे ऐसा देखा था, उस डर के वजह से उसको ऐसा फील होने लगता है। देन आता है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में क्या होंगी, द फॉलोइंग मेडिकेशन इफेक्टिव, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, दिस कैन हेल्प रिड्यूस द फिजिकल जो साइन है एंजाइटी के लिए, उसके लिए बीटा ब्लॉकर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, और ये प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए मेडिसिन। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, जानकारी के लिए, सामान्य जानकारी के लिए। तो एंजाइटी के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं दैट कैन अकम्पनी ए फोबिया। एंजाइटी फोबिया के साथ है तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट भी दिया जाता है, जिसमें सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या SSRI दिए जाते हैं, कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड है फोबियाज के लिए। दे अफेक्ट सीरोटोनिन लेवल इन ब्रेन, जो ये है ब्रेन को, जो SSRI है वो ब्रेन की जो सीरोटोनिन लेवल है उसको अफेक्ट करते हैं, बेटर मूड उनको फील होता है। इफ द SSRI काम नहीं करता है तो वो मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर MAOI लेते हैं, सोशल फोबिया के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। इसके अलावा कभी कभी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे क्लोमिप्रेमिन और एनाफ्रेनिल भी वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ये भी फोबिया में हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रैंकुलाइजर्स हैं जैसे कि बेंजोडाइजेपिन आर एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैंकुलाइजर दैट माइट बी प्रेस्क्राइब फॉर ए फोबिया, दिस मे बी हेल्प रिड्यूस एंजाइटी सिम्टम्स को। बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं, कम करते हैं। पीपल विद हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंस शुड नॉट बी गिवन सेडेटिव। यदि एल्कोहल डिपेंडेंस की हिस्ट्री है किसी व्यक्ति की तो उसको सेडेटिव नहीं देने चाहिए। देन साइकोथेरेपी, मेंटल हेल्थ थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वे टू डू दिस। फोबिया के लिए साइकोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है CBT इज ए कॉमन टाइप ऑफ थेरेपी विद हेल्प, इसके साथ जो हेल्प करती है। बिहेवियर थेरेपी में है डिसेंसिटाइजेशन या कह सकते हैं एक्सपोजर थेरेपी। तो डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, दिस कैन हेल्प पीपल विद फोबिया आफ्टर ऑल्टर देयर रेस्पॉन्स टू द सोर्स ऑफ फियर, मतलब उस फियर से उसको धीरे धीरे एक्सपोज किया जाता है डिसेंसिटाइजेशन में, और फिर उसको उसकी थिंकिंग प्रोसेस को और उसको साथ कॉप अप किया जाता है, और फिर धीरे धीरे जो ज़्यादा कंडीशन है या ज़्यादा वर्स कंडीशन है वहाँ पर ले जाया जाता है, तो उससे वो फोबिया उसका दूर होता है। दे आर ग्रेजुअली एक्सपोज, धीरे धीरे एक्सपोज किया जाता है कॉज ऑफ द फोबिया ओवर ए सीरीज ऑफ एस्केलेटिंग स्टेप, धीरे धीरे वन बाई वन। फॉर एग्जाम्पल पर्सन विद एरोफोबिया ऑन ए फियर ऑफ फ्लाइंग ऑन ए प्लेन, तो उसको पहले जो खड़ा हुआ प्लेन है या फिर जो केवल टॉय के रूप में प्लेन होता है बड़ा जैसे कोई, उसमें ले जाया जाता है, फिर उसकी थिंकिंग प्रोसेस को उसमें चेंज किया जाता है, उसको समझाया जाता है, उस तरह से धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाया जाता है इसमें डिसेंसिटाइजेशन में। फ्लडिंग में क्या करते हैं, दिस टेक्निक सिमिलर टू डेंस डिसेंसिटाइजेशन है बट इट इन्वॉल्व एक्सपोजिंग टू द फोबिया ट्रिगर देमसेल्फ, यानी सीधे ही फोबिया से उसको एक्सपोज कर दिया जाता है, नॉट इन स्मॉल बिट्स ओवर टाइम, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नहीं करते, एकदम से करते हैं, लेकिन उसमें सपोर्ट रहता है उनका। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसकी, फोबिया की। तो मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट आर मोर लाइकली टू पीपल विद स्पेसिफिक फोबिया और एगोरेफोबिया, इसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, स्पेशली डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सबस्टेंस यूज डिसऑर्डर हो सकता है, सोमेटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था फोबिया। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।